जा रहे हैं ये नहीं पता, बट कहीं तो जा रहे हैं, क्योंकि आज है December 31st और ये साल का लास्ट व्लॉग है, तो कहीं पर जाते हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज सुल्तान एंड यू वाचिंग टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगर लाइफ। चलो निकलते हैं। बज रहे हैं 9:30, बट मौसम इतना अच्छा है कि अब तक धूप निकल जाना चाहिए, 7 बजे तक धूप निकल जाती है, बट अभी तक धूप नहीं निकली है। तो चलो दिल बोला कि चलो निकलते हैं, एक राइड, शॉर्ट राइड करते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह बताते हैं और थोड़े अपनी गाड़ी के बारे में आपको बताते हैं कि मॉडिफिकेशन पहले क्या क्या हुआ था, अब क्या क्या हुआ है। ठीक है, चलो फिर अच्छी जगह देखते हैं और आगे की बात करते हैं। अगर बोलते हैं टैंक बैग लगाना नहीं चाहिए, टैंक बैग लगाने से पेट खराब होता है, बट पता नहीं है, हम तो हमेशा तो नहीं लगाते, कभी कभार मोड़ आया। ठीक है, तो अब माउंटिंग हो चुका है, निकलते हैं। वॉच भी नहीं पहना था, ऐसे ही निकल चुका हूँ गड़बड़ में। ठीक है, ऐसे आपका मोटो व्लॉग का सेटअप चलते थे, बताइए आपको किसों की यार आवाज़ सुननी है। चलो फिर हमारे साथ लगे रहो। एक ख्याल ज़रूर रखें, व्लॉगिंग करते समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आएंगे, बट टेंशन नहीं लेना। मैं कभी कभी टेंशन ले लेता हूँ कि अरे बाबा, इतना सेटअप होने के बाद में भी क्या कमी रह गई थी। जो हेलमेट पे जो जे माउंट रहता है वह मेरे पास से गुम हो गया है, वो पुरानी आदत है, तो आदत जाने वाली नहीं है। चलो फिर निकल पड़ते हैं। राइट, तो सेटअप कैसा रहा है एक बार चेक करते हैं, माइक टेस्ट वगैरह, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑल राइट जनता लोग, हाँ बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग। सोच रहे होंगे आप लोग अचानक से इतने महीनों बाद मुंह उठाकर क्यों चले हैं। ऐसे भाई बताया था ना, एक बार मेरा ऑफिस अगर स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे टाइम निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि टाइमिंग चेंजेस हो जाते हैं, कि तो मैं सुबह में चले जाता हूँ ऑफिस, फिर आए तक रात हो जाती है, फिर दिन भर वही काम में, ट्रांसपोर्ट डिवीज़न है, बुकिंग करना होता है, लोडिंग अनलोडिंग कराना होता है, पार्सल का डिलीवरीज करना होता है, तो फिर उस हिसाब से लेट होता है, व्लॉग करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो आज अचानक थोड़ा फ्री टाइम था, तो मौसम भी धूप वगैरह नहीं थी, मैं बोला था धूप में भी अपनी गाड़ी चलाना नहीं जमता, तो फिर बोला चलो निकल पड़े हैं। चलो एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाता हूँ, अब जो एग्जॉस्ट लगा है वो आगे लोकेशन पे चलकर बताता हूँ। कैसा लगा आवाज़? अच्छा है आवाज़, मुझे एक्चुअल में साइलेंट आवाज़ चाहिए था, तो फिर उस हिसाब से मैंने इसको वैसा मॉडिफाई किया है। बहुत महंगा एग्जॉस्ट लगाया है, अब बोलते हैं ना हो जाता है, खर्चा हो गया। जो IXL एग्जॉस्ट था वो भी निकाल दिया, SC प्रोजेक्ट था वो भी निकाल दिया, Acropoic था वो भी निकाल दिया, सिर्फ अभी एक एग्जॉस्ट संभाल कर रखा है।
मैन मज़ा आ रहा है यार, ऐसे रोड्स हो तो और मज़ा आ जाए गाड़ी चलाने में। जा रहे हैं हम अभी एयरपोर्ट के अंदर। एक्चुअल में गो कार्टिंग का इरादा था बट पता नहीं है गो कार्टिंग है या नहीं, फिर भी देखते हैं। यहाँ पर अगर गो कार्टिंग नहीं होगा तो फिर वही चाय नाश्ता करके फिर वापस घर पर, वो थोड़ा चार्ज कोबर लगाएंगे, बैटरी चार्ज करना है और एक बैटरी लेनी पड़ेगी शायद। चलो कैंटीन में जाकर बात करते हैं क्योंकि अब इधर बहुत स्ट्रिक है, ठंड भी हो रही है और मास्क भी पहनना ज़रूरी है। चलो निकलते हैं। राइट, तो ऑर्डर किया हमने एक डोसा चाय बस। अभी एयरपोर्ट में बैठे नाश्ता करने के बाद सोचेंगे कहाँ जाना है, बट ठीक है थोड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ पर। ईयर एंड का व्लॉग यहाँ पर एंड करेंगे, फिर कल से देखते हैं नई शुरुआत, क्योंकि बहुत गैप दिया इस बार, उतना गैप नहीं होना चाहिए, तो अगली बार से मेंटेन करेंगे, व्लॉग्स डालना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सोचेंगे सिर्फ पैसा पैसा कमाना है, व्लॉग नहीं डालना है, तो ऐसा नहीं है, तो हर संडे को व्लॉग डालने की कोशिश करेंगे अगर डेली नहीं होता है। चलो नाश्ता करते, नाश्ता आने वाला है। हालांकि अब इसमें अंदर डालने को तकलीफ है, देखते हैं दूसरे को ऐसा घुमा के रोल करके डालना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे इसकी, इसमें जो एग्जॉस्ट लगा है वो है योशिमोरा जापान, साइलेंसर कॉस्ट में अराउंड 40,000। जी हाँ, एक्चुअल में इसका पेयर आता है बट मैंने सिंगल ख़रीदा है, पेयर आता है अराउंड 1,00,000 का, बट मैंने इसको 40,000 में इम्पोर्ट किया है। तो दिस इज़ अ परफेक्ट साउंड, मतलब हायाबुसा के जैसा ही आता है आवाज़, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, जब वो अगर गाड़ी हेडलिंग पे अगर रुकती है तो आवाज़ अच्छा आता है। सो ये थोड़ा इसकी खासियत अच्छी है कि अगर अब मेरा घर है 4-5 गलियों के बीच में, उसमें अब एकरा पोएक और एससी प्रोजेक्ट और IXL लगाएंगे तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, अगर थोड़ा भी रेस करता हूँ अब बहुत ज़्यादा बेस आता है उसमें। तो इसमें कैसा है, साइलेंट है और इफ़ेक्ट भी अच्छा है, ज़्यादा नॉइज़ नहीं है। उसमें वो प्रॉब्लम ये होता था कि हेलमेट अगर पहनता हूँ तो हेलमेट में कुछ अजीब सी आवाज़ आती थी, तो इसमें क्या है कुछ उतना अच्छा है, मतलब बहुत कंफर्टेबल है राइड में, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला एग्जॉस्ट मैंने लगाया इसको योशिमोरा का, ये इसके अंदर कंपनी पाइप के अंदर ही फिट हुआ है, इसको अलग से कोई वेल्डिंग वगैरह कुछ किया नहीं है, यहाँ से ये मोल्ड होता है यहाँ पर। और भाई ये हम I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. व्लॉग नहीं बजाने बनाने की वजह मैं आपको बताऊंगा अभी, कि वही ऑफिस में मैं अकेला होने के पहले मेरे पास स्टाफ काम करते थे, तो जिम्मेदारी उनके ऊपर होती थी, तो टेंशन नहीं रहता था, ट्रैवलिंग कर सकता था। अभी ये हो रहा है कि मैं अकेले सब काम कर रहा हूँ तो मुझे नहीं हो रहा है, टाइम नहीं हो पा रहा है बस। अब इसमें कैसा है, यूट्यूब में अगर प्रॉपर एडिटिंग, इसमें कुल मिलाकर 5-6 घंटे तो देना पड़ता है, बट ये 5-6 घंटों में मतलब समझ करीब 5-10 हज़ार की बुकिंग हो जाती है लगेज की, तो फिर उस हिसाब से और कुछ नहीं, यही वजह है कि ब्लॉगिंग हम नहीं करते हैं। देखते हैं इसको कंटिन्यू करेंगे अगर कोई अच्छा स्टाफ अगर आ जाएगा वहाँ पर संभालने के लिए, एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए जो ट्रैवल्स लाइन में हो, अगर हो जाएगा तो फिर हम उसको साइड में रखकर इसको फुल टाइम कर लेंगे, यूट्यूब को डायरेक्ट डेली व्लॉग्स आएंगे। ठीक है, चलो आज बस इतना ही है आज के लिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वही लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। मैं इधर से निकलता हूँ अब सीधा घर पे, थोड़ा आराम करता हूँ, थोड़ा सोता हूँ, फिर वापस वही अपना काम।
जिंदाबाद। चलो बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी क्रिसमस और सब गया। नया नए साल की शुरुआत नए तरीके से करेंगे और जो भी न्यू ईयर आज मनाएंगे रात में तो थोड़ा बी केयरफुल, ज़्यादा मत पियो, थोड़ी पियो और पीकर गाड़ी मत चलाओ, थोड़ा गलत है। अपना ख्याल रखो, नया साल अच्छे से मनाओ। बाय बाय।